नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ वंशिका सिंह। बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग को लेकर। लोकसभा चुनाव में तीन चरणों की वोटिंग हो गई है। अब चौथे चरण के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण के चुनाव में इसमें आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4, तेलंगाना की 17, यूपी की 13, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। सभी 543 लोकसभा सीटों के नतीजे 4 जून को आएंगे। चौथे चरण की वोटिंग के साथ आंध्र प्रदेश में आम चुनाव खत्म हो जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी चुनाव खत्म हो जाएगा। चौथे चरण के बाद कुल 18 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में आम चुनाव की वोटिंग भी खत्म हो जाएगी। चौथे चरण में किन सीटों पर मतदान होना है, वोटिंग होनी है, वो बता देते हैं। आंध्र प्रदेश की अराकू एसटी, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, अनाकापल्ली, काकीनाडा, अमलापुरम एससी, राजमुंद्री, नरसापुरम, एलेरू, मछलीपट्टनम, विजयवाड़, गुंटूर नसरावाड़ पेट, बाफटला एससी, ओंगोल, नंघाल, कुरनूल, नेल्लोर, तिरुपति, राजमपेट, चित्तूर। वहीं बिहार की बात करते हैं, बिहार की दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर पर वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट पर वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा पर वोटिंग होगी। महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र की नंदूरभार, जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, मावल, पुणे, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी और बीड पर वोटिंग होनी है। उड़ीसा राज्य की बात कर लेते हैं, उड़ीसा की कालाहांडी, नबरंगपुर, बहरामपुर, कोरापुट पर वोटिंग होनी है। तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना की आदिलाबाद, पेदापल्ली, करीमनगर, निजामाबाद, जहीराबाद, मेडक, मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, हैदराबाद, चेवल्ला, महबूबनगर, नालगोंडा, नागर कुरनूल, भवनागिरी, वारनफाल, महबूबाबाद और खम्मम। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर, खीरी, धरूहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच पर वोटिंग होनी है। पश्चिम बंगाल की सीट की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की बहरामपुर, कृष्णानगर, राणाघाट, बर्धमान, पूर्वा, वर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल और बोलपुर में वोटिंग होगी। झारखंड सीट की बात करते हैं, झारखंड के बीरभूम, सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, फ्लामू में वोटिंग होगी। अब बात करते हैं कि चौथे चरण में 10 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों से 1717 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और वो कितने उम्मीदवार हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना में 525 कुल उम्मीदवार हैं, आंध्र प्रदेश के 454 उम्मीदवार हैं, बिहार में 55 उम्मीदवारों में होगी वोटिंग, जम्मू कश्मीर में 24 उम्मीदवार खड़े हैं मैदान में, झारखंड के 45 उम्मीदवार हैं, मध्य प्रदेश के 74 हैं, महाराष्ट्र में 298 हैं, उड़ीसा में 37 हैं, तेलंगाना में 525 उम्मीदवार हैं, पश्चिम बंगाल में 75 उम्मीदवार हैं, उत्तर प्रदेश में 130 उम्मीदवारों में मुकाबला होना है। अब बात कर लेते हैं कि चौथे चरण में कौन से ऐसे दिग्गज उम्मीदवार हैं जिनके बीच मुकाबला होगा और जिन पर सभी की नजर रहेगी। उनमें तेलंगाना के हैदराबाद से बीजेपी की माधवी लता है, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, करीमनगर से बंदी संजय कुमार, लखीमपुर खीरी से केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी है, कन्नौज से सपा से अखिलेश यादव खड़े हुए हैं, बिहार के बेगूसराय से गिरिराज सिंह इलेक्शन लड़ेंगे, उजियारपुर से केंद्र गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं, मुंगेर से जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हैं, आंध्र प्रदेश के कडप्पा से YS शर्मिला मैदान में है, झारखंड के खूंटी से अर्जुन मुंडा मैदान में है, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा मैदान में है, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी भी लड़ रहे हैं और यूसुफ पठान का नाम भी शामिल है। तो ये थे दिग्गज नेता जिनके नाम शामिल हैं और चौथे चरण में मैदान में उतरे हुए हैं। कुल 543 सीटों पर आम चुनाव में वोटिंग हो रही है। पहले चरण में 102, दूसरे चरण में 88 और तीसरे चरण में 93 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुआ है। तीसरे चरण तक 283 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। चौथे चरण में
96 सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है। 13 मई तक कुल 369 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा, यानी बाकी तीन चरणों में 164 सीटों पर मतदान करवाया जाएगा। तो फिलहाल के लिए लोकसभा के चौथे चरण की वोटिंग का पूरा अपडेट था जो हमने आपको डिटेल में बताया है। तो वोटिंग करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि 13 मई को चौथे चरण का मतदान होना है। अपने अपने राज्यों में सीटों पर जाकर चुनाव दीजिए और चुनावी माहौल को जानने के लिए लगातार बने रहिए। 13 मई को हम आपको सारे अपडेट्स देंगे, देखते रहिए एबीपी लाइव।